हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर राव फ्रॉम डॉक्टर राव एस्थेटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक नई सर्जरी के बारे में जिसको हम कहते हैं ब्लेफरोप्लास्टी। ब्लेफरोप्लास्टी मतलब जो आईलिड की सर्जरी होती है। एजिंग के साथ एक्चुअली क्या होता है कि जो ऊपर की आईलिड है उसकी जो स्किन है वो लूज़ होने लगती है और ड्रॉप कर जाती है, और जो नीचे की आईलिड है उसमें जो जैसे यूथ होता है, आदमी यंग होता है, तो उस टाइम में वहाँ पर फैट की एक लेयर होती है जो उसको क्या कहते हैं बोन है उसके साथ उसको बैलेंस करके रखती है। लेकिन विद एज ग्रेविटी से और स्किन लूज़ होने लगती है, वो अंदर का फैट भी लूज़ होने लगता है, तो वो यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, तो एक अलग से एक फैट की लेयर दिखाई देती है जो देखने में उसको आप देखते हो तो हमेशा आके बड़ी थकी थकी दिखाई देती है। तो उसके लिए हम उसको यूज़ करते हैं, इसको ब्लेफरोप्लास्टी है। अगर हम उस फैट को निकाल दें, या पहले तो ऐसे सोचा जाता था जब ये सर्जरी शुरू हुई कि इस फैट को निकाल देना चाहिए, लेकिन एक्चुअली में इस फैट को निकाला नहीं जाता, इसको दोबारा से जो पहले की फॉर्म थी उसमें ही उसी तरह से इसको रीड्रेप कर देना चाहिए, या इसमें जैसे पहले की तरीके से था जब आदमी यंग होता था, तो उसी तरह से उसको फैट को दोबारा से उस लेयर में लगा देना चाहिए सूचर्स के साथ। कहीं पे अगर नीचे की तरफ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैट है तो आप उसे निकाल भी सकते हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फैट निकालोगे तो आँखें अंदर की ओर धंस जाती है, और ऊपर की जो स्किन है उसको हम आराम से उसको जो एक्स्ट्रा स्किन है उसको निकाल सकते हैं। तो इसको करने के बाद फ़ायदा ये होता है कि आप मोर यूथफुल लगते हो, आप जो टायर्ड लुक है वो ख़त्म हो जाती है, और एजिंग को एक तरह से इसको रिवर्स किया जा सकता है। तो ये बहुत ही सेफ सर्जरी है। अपर लिड ब्लेफरोप्लास्टी तो हम लोकल एनेस्थीजिया में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए बेहोश किया जाए या किसी तरह का नींद का इंजेक्शन दिया जाए। और नीचे के वाले में भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंसीजन देते हैं, इसमें तीन तरह के कौन सी तरह का चीरा लगाते हैं। तो कई बार अगर ज़्यादा प्रोसेस है तो अच्छा रहता है कि आप इसको थोड़ा सा सुन करके, थोड़ा सा नींद का इंजेक्शन दे के किया जाए। तो ये सर्जरी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा अब धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो लोग इसके बारे में पूछने लगे हैं, इसको करने लगे हैं और इसको करवाने लगे हैं, सभी लोग कॉन्शियस हो गए हैं। तो ये इसके बारे में एक ब्रीफ में ये था। कभी अगर इसके साथ मैं एक और बताना चाहूँगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो मैंने कहा था बीच में इसमें कि होलोनेस हो जाती है आईज़ के नीचे, थोड़ा सा गड्ढा सा पड़ जाता है, तो उसके लिए एक और अल्टरनेटिव जो अभी रिसेंटली डेवलप हुआ है थोड़े सालों से, वो है फैट ग्राफ्टिंग। बहुत साल पहले तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं इसमें लोग इसकी डिमांड किया करते थे, बहुत ही कम लोग इसको करते थे, लेकिन आजकल इसको होने लगा है कि आप थोड़ा सा फैट कहीं से निकाल के, थोड़ा सा उसको फिल्टर करके और उसको नैनो फिल्टर करके यहाँ पे थोड़ा सा इंजेक्ट कर दो, तो जो होलोनेस होती है वहाँ की, उस एरिया की जो होलोनेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे एकदम से ज़्यादा जो जिसको कहते हैं ना आँखों के नीचे एकदम से गड्ढे पड़ गए वो थोड़े ठीक हो जाते हैं। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी एक तरह की बड़ी अच्छी सर्जरी है। और अगर आप इसके बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी शॉर्ट फॉर्म में 3 मिनट के वीडियो में, तो आप इसको लाइक करिए। और अगर आप कुछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं आप कमेंट करिए, अगर मुझे लगा कि ये क्वेरी है तो मैं उसके बारे में वीडियो बताऊँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई एम डॉक्टर राव फ्रॉम डॉक्टर राव एस्थेटिक्स। थैंक यू वेरी मच।